लै भाई लड़ लो, सब्सक्राइब कीजिए SK ग्रुप हरियाणा को और इस बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको न्यू अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जी, मैं परवीन सनो बलवान सिंह बरवाड़ा हरियाणा इंडिया से। ये भी मेरे गांव का लड़का है सुनील सनो प्रिंसिपाल सिंह बरवाड़ा से। ये मेरे सगे मामा का लड़का है सुनील सनो करण सिंह नारनौन से। जी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम यहाँ पे है ना मलेशिया में है, ये कोई इंडिया नहीं है। हम यहाँ पे मलेशिया में बैठे हुए, एक बंदा चंदर सनो बलमत सैन, उन्होंने हमें धोखे से यहाँ बसाया। वो लड़का हमारे साथ रहता था, लेकिन उन्होंने वो धोखे से, वो पहले मलेशिया आया हुआ था, वो एजेंट बन के उसने हमको यहाँ बुलाया। उसने बोला कि यहाँ पे तुमको है ना 45,000 सैलरी मिलेगी, 8 घंटे नौकरी है, ग्लव्स कंपनी में काम है, तुम्हें 4 घंटे ओवर टाइम देंगे, तुम्हारा संडे डबल मिलेगा, तुम्हारा खाना पीना रहना, यहाँ तक कि उसने ये बोला तुम्हारे कपड़े भी है ना कंपनी धोके देगी। इस चक्कर में हम मलेशिया आ गए। मलेशिया आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे हमारा है ना कुछ भी नहीं है, हमारा पासपोर्ट भी जमा हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल फंसे हुए हैं। और आज क्या हुआ, आज है ना वो बंदा जो चंदर सैन है बरवाड़ा से, सनो बलमत सैन, वो बंदा हमको यहाँ पे छोड़ के भाग गया है। इतना बुरा हो रहा हमारे साथ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम फंसे हुए हैं बिल्कुल। यहाँ मैक्स ग्लव्स कंपनी में यहाँ है ना 12 घंटे ड्यूटी, सुबह जागते हैं, कोई कम सैलरी का पता नहीं, कुछ नहीं पता, हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ रोड से बाहर भी निकल जाएं। सबके सब फंसे हुए हैं बिल्कुल, A to Z फंसे हुए हैं। हमारी विनती है कि हमें यहाँ से कैसे ना कैसे निकाल दो, कैसे ना कैसे निकाल दो। ये भी बिल्कुल फंसे हुए, हम वहाँ से ब्याज में 5-5% रुपए 5-5% ब्याज में पैसा उठा के लेके आए हैं, लेकिन हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं। हम किससे बोले, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास ये भी साधन नहीं है कि हम इंडिया मैसेज आके अपील कर सकते। कुछ ना कुछ तो ऐसा करो, ये भारत सरकार, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जो भी है मलेशिया में इंडिया में वैसे बैठे हैं, हम तीनों भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते। हम तीनों नहीं, यहाँ पे और भी बंदे हैं ना बहुत फंसे हुए हैं, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। कहाँ से यहाँ से निकले और हम भारत सरकार से गुहार करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी निकाला जाए यहाँ पे। हमारे पास बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है यहाँ पे, और जो सारे पैसे घोस लिए हमारे इस लड़के ने, इसके पापा ने 1.5-1.5 लाख रुपया लेके हमें यहाँ पहुँचाया है, सारे पैसा ले लिया हमारे से यहाँ से जो आया है, और उसके पापा ने सब कुछ झूठ बोल के हमें यहाँ फंसा रखा है। घर बोल रहे हैं हम यहाँ से आज गया, वो लड़का ने यहाँ से किसी को बोला तो हम तुम्हें यहाँ पे मरवा देंगे। हमें यहाँ आगे पता चला कि जो बंदे पहले आए हुए थे यहाँ है ना सिर्फ 30-30 हज़ार में है ना बंदे आ जाते हैं, तो ओनली 30,000 में हमसे 1.5-1.5 लाख रुपए लिया गया। आज हमें धमकी दी गई यहाँ पे कि है ना तुम्हें जान से मार देंगे, वो चंदर हमें बोल के गया मैं इंडिया जा रहा हूँ, मैं फंसा के जा रहा, बोला जान से मरवा दूंगा। उसके बाप और यहाँ मानव तस्करी कर रहे हैं बंदों की, तीन हम बुला गए। बहुत से लोग तो इंडिया चले गए हैं लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। अब हमें ना जो मतलब यहाँ पे रहते हैं उनसे बतवाते हैं कि वो बंदा कितना खराब है, मैं फंसाया गया, देखना अब हम ऊपर जा रहे हैं, एक दो बंदे से आपको मिलवाते हैं सर। इस वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि इन भाइयों का भला हो जाए और ये इनका घर चले जाए।